दोस्तों, आज मैं इस फैन को रिपेयरिंग करने वाला हूँ। मुझे भी पता नहीं है इस फैन का क्या होगा हुआ है, क्योंकि मुझे तो अभी आया है इस फैन रिपेयरिंग करने के लिए। तो चलिए पहले उसे चेक कर लेती हूँ इसका समस्या क्या है। तो पहले इसे ऑन करके स्विच बोर्ड में इसको टेस्ट करूँगी, पहले इसका समस्या क्या है। आप देख सकते हो मैंने सीरीज में लाइन दे दिया है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो सीरीज का जो बल्ब है वो जल रहा है, लेकिन कोई भी पंखा नहीं चल रहा है। तो चलिए, इसका प्रॉब्लम तीनों तरह का है। तीन समस्या होने से इस तरह का फैन का जो प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम, इसका कोयल शॉर्ट हो जाने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कैपेसिटर आपका खराब हो चुका है क्या फट जाने से, इस तरह से समस्या होती है। तीसरा जो मेन समस्या, इसका बूस्ट शाफ्ट जाम हो जाने से इस तरह का समस्या होती है। तो चलिए पहले उसे खोलकर देखते हैं इसका तीनों समस्या में किस समस्या इस फैन में है। तो चलिए पहले उसे खोलकर देखते हैं क्या है। तो चलिए मैंने पहले पीछे की तरफ खोलता हूँ। कॉइल को फर्स्ट चेक करना है, कॉइल सही है या नहीं है। चलो, इसमें स्क्रू नहीं है, रस्सी से बांधा हुआ है। तो पहले हमें कॉइल को चेक कर लेना है सही है या नहीं है, उसके बाद हमें देखना है और क्या समस्या है। पहले उसे देख लेती हूँ, ये रेड कलर का वायर रनिंग में है। तो कैपेसिटर तो सही है, बिल्कुल नया सा कैपेसिटर है। तो चलिए कॉइल को पहले चेक कर लेती हूँ सीरीज बोर्ड में। देख सकते हो ये रनिंग कॉइल का सही दिखा रहा है। चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल चेक कर लेती हूँ, स्टार्टिंग कॉइल भी सही दिखा रहा है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। तो चलिए, हमने दो प्रॉब्लम तो कंफर्म कर चुका हूँ, कैपेसिटर सही है, कॉइल भी सही है। तो तीसरा जो मेन समस्या, इसका बूस्टर जाम हो चुका है। तो पहले पंखा के खोल कर देख लेती हूँ फ्री है या टाइट है। देख सकते हो पंखा बहुत ही टाइट है, क्योंकि ये फ्री होना चाहिए, इसका मतलब सही है, इसका बूस्ट शाफ्ट जाम हो चुका है। तो चलिए उसे बूस्ट शाफ्ट चेक करके आपको मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसका जो शाफ्ट बिल्कुल सा टाइट हो चुका है। तो आप मैं उसे शाफ्ट चेंज करके आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं इस फैन का सेफ्ट नहीं लगा पाया। फिलहाल मैं सिर्फ दोनों बूस ही लगाऊंगी, सेफ्ट नहीं लगा पाया। इसका मतलब आप देख सकते हो मेरे पास सेफ्ट तो है, लेकिन मैंने नहीं लगा पाया। इसका मतलब कोई दूसरे मिस्त्री ने इसे वाइंडिंग किया था, इसका जो रोटर अंदर फंस चुका है। वाइंडिंग किया था, लेकिन एक तरफ से इसका रोटर आने से स्पेस नहीं है, इस तरह से जगह नहीं है, ये रटर नहीं आ रहा है। इसे मैं जबरदस्ती करके निकालूंगी तो इसका कॉइल टूट चुका है, टूट मैं इसका बहुत ही समस्या है, रटर नहीं अंदर आ सकता है। तो इसे काम चलाने के लिए मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से मैं सेफ को दोनों तरफ सीरीज पेपर से थोड़ा सा मांज देता हूँ, उसके बाद ग्रीस लगा के नया बूस लगाना पड़ा। फिलहाल इसे मजबूरी में मैं क्या भी कर सकता हूँ, रटर नहीं अंदर निकल रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ दोनों बूस लगाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मुझे मजबूरी मैंने सिर्फ दोनों बूस ही लगाना पड़ा, सेफ नहीं लगा पाया।
देखते हैं इसका बूस्ट का जो नंबर है 882 होता है। ये एसएससी का एपी फैन है। 882 का इसका बूस्ट का जो नंबर है और देख सकते हो 882 है। फिलहाल मैं नया बूस्ट लगा देते हूँ। बड़ा है इसका ऊपर कोयल टेप था, मैंने कोयल टेप को हटा के रोटर बाहर निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकला है। तो दूसरे मिस्त्री ने अच्छे से वाइंडिंग नहीं किया है इसलिए मुझे दिक्कत होगा। तो चलिए कोयल टेप जिस तरह से था उस तरह से लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कोयल बड़ा है बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे भी इस तरह का टेप लगाना पड़ा। मजबूरी मैंने इस तरह से टेप लगाना पड़ा नहीं तो बॉडी शॉर्ट होगी कोई नहीं चल जाएगी, तो इसलिए कोई टेप लगाना बहुत जरूरी है। देख सकते हो इस तरह से था, ये पुराना वाला दूसरे मिस्त्री ने लगाया था, आगे की तरफ पीछे की तरफ भी इस तरह से था। मैंने हटा के रोड पर बाहर अंदर निकलने में बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकला है रोड पर। इस तरह से मुझे भी कोयल टेप लगाना बहुत जरूरी है, लगा देंगे उसे थोड़ा ग्रीस कर लेना है शाफ्ट को, ज़्यादा भी मत देना है। लास्टिंग नहीं होगी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, इसे मजबूरी में इस तरह से करना पड़ा और इस तरह से नहीं करिए। Not much.